हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहा है भारत की 5 ब्यूटीफुल नेशनल पार्क। नंबर 1 काजीरंगा नेशनल पार्क असम के पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित है। काजीरंगा दुनिया के बेहतरीन वन्य जीव अभयारण्य में से एक है। एक सिंह वाले गेंडों की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का घर। पार्क ब्रह्मपुत्र घाटी के बार के मैदान में गीले घास के मैदानों दलदलों और तालों का एक प्राकृतिक क्षेत्र है। भारत के लिए यूनेस्को की प्राकृतिक विरासत सूची में काजीरंगा एक महान संरक्षण सफलता की कहानी है, जिसने एक सिंह वाले गेंडों के विलुप्त होने के कंगाल से बचाया है। 1903 में इस क्षेत्र में केवल 12 बचे थे, अब लगभग 1800 है। पार्क में कोई अन्य लुप्त प्राय प्रजातियाँ भी है, जैसे बंगाल टाइगर, एशियन हाथी, सुप्त भालू, घोंघा, डॉल्फिन और कोई प्रवासी पक्षी। यह भारत का एकमात्र पार्क है जहाँ हाथी बेग सफारी को अभी भी छुबी कार्य माना जाता है, क्योंकि यह गीले घास के मैदानों में वन्य जीवों को देखने का एकमात्र तरीका है। नंबर 2 सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन के समान पृथ्वी पर और कोई स्थान नहीं है। बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टाओं द्वारा निर्मित सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैग्रोव वन है और सभी पारिस्थितिक तंत्रों में सबसे अधिक जैविक रूप से उपद्रक है। 513 वर्ग मील में फैला राष्ट्रीय उद्यान एक बड़ी यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व और सुंदरबन टाइगर रिजर्व के भीतर स्थित है। कोई दुर्लभ और लुप्तप्राय वन्य जीव प्रजातियाँ इस क्षेत्र को गौरने कहती है, जिनमें एस्ट्रूरिन मगरमच्छ, गंगा डॉल्फिन, ओलिव रेडली कछुआ, किग कबरा और बंगाल टाइगर शामिल है। लगभग 100 बंगाल बाघ सुंदरबन के पानी वाली दुनिया में रहती है, जो लगभग जीवन के अनुकूल है। ये लंबी दौड़ी तक तैर सकती है और मछली केकड़ी और पानी की निगरानी करने वाली छिपकलियों को खा सकती है। ये एक सिया है जो वन्यजीव प्रेमियों को आकर्षित करता है, जो मैग्रोव जलमार्ग पक्षीय और समुद्रीय जीव विविधता से मगमुग्ध है। नंबर 3 गिर नेशनल पार्क। क्या आप जानते हैं कि भारत पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा देश है जहां स्थानीय शेर, बाघ और भालू है। गुजरात के पश्चिमी राज्य में स्थित गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर का एकमात्र शेष प्राकृतिक आवास है। दरअसल गिर दुनिया की एकमात्र ऐसी जगह है जहां आप शेरों को अफ्रीका के बाहर जंगली घूमते हुए देख सकती है। शिकार ने 1930 में इस क्षेत्र में एशियाई शेरों की आबादी 20 कर दिया और एशिया के अन्य हिस्सों में उन्हें पूरी तरह मिटा दिया। हालांकि जूनागढ़ ने नवाबों और वन विभाग के हस्तक्षेप से गिर राष्ट्रीय उद्यान में अब 523 शेर रह गई है। ये पार्क तेंदुओं, साबर हिरण और चौसीदगा का भी घर है। दुनिया का एकमात्र 4 सिंह वाला मृग इस राष्ट्रीय उद्यान में है। नंबर 4 जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे लोकप्रिय में से एक भी है। इसके प्रसिद्ध के कोई दावी है, जिसमें 1973 में प्रोजेक्टर टाइगर लांस की साइट भी शामिल है। उत्तरी राज्य
उत्तराखंड में हिमालय की तलहटी में स्थित कार्बेट 100 से अधिक बंगाल बाघों का घर है। किसी भी टाइगर रिजर्व की संख्या सबसे अधिक है भारत में। लगभग 650 प्रजातियों की निवासी और प्रवासी पक्षियों के साथ कार्बेट पक्षी के लिए भी एक बेहतरीन जगह है। यह एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है जो रात भर कोर जीन में रहने की अनुमति देता है। 110 कोई राष्ट्रीय उद्यानों की प्रकृति में डूबे रहने के दौरान सांस्कृतिक हाइलाइट्स की खोज पर ध्यान के अधीन करते हुए भारत की यात्रा की पेशकश करता है। अपनी साहसिक कार्यों की योजना बनाने शुरू करने के लिए एक्सडोस की अविस्मरणीय भारत सफारी देखे है। नंबर 5 नंदा देवी नेशनल पार्क। नंदा देवी जीवमंडल और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच नंदा देवी का पौराणिक रहस्य और फूलों की घाटी प्रकृति प्रेमी ट्रेकर्स और हिंदू तीर्थयात्रियों को समान रूप से आकर्षित करती है। उच्च ऊंचाई वाले पश्चिम हिमालयी परिदृश्य में असाधारण सुंदरता का एक क्षेत्र इन पार्कों में उत्कृष्ट जैव विविधता भी है और संयुक्त रूप से यूनेस्को की प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध है। नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी हिंदुओं द्वारा देवी के रूप में पूजा की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान पर हावी है और इस क्षेत्र को संरक्षित और संरक्षित करने में मदद की है। फूलों की घाटी अपने दूरस्थ स्थान प्रसिद्ध सुंदरता और सीमित समय सीमा के कारण कोई यात्रा की इच्छा सूची में है जिसमें आप घाटी को फूलों के कालीन में फूटने हुए देख सकती है। दोनों पार्कों में हिम तेंदुआ और हिमालयी कस्तूरी मृग सहित खतरे वाली प्रजातियों की महत्वपूर्ण आबादी है।